हेलो एवरीवन, दिस इज संजय यादव। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हमने पहले ही सिंपल रिएक्शंस के डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर को देख चुका है, ठीक है, जिसमें हमने कवर किया था वांट आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मैथड, ओस्टवाल का डायल्यूशन लॉ मैथड, हाफ लाइफ मैथड। लेकिन ये जो आपके मैथड्स थे वो सिंपल रिएक्शंस के ऑर्डर डिटरमिनेशन में या रेट लॉ डिटरमिनेशन में एप्लीकेबल थे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्लियर है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आज मैं आपको कुछ बेसिक्स मैकेनिज़म को लेकर के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर का डिटरमिनेशन बताऊँगा, ठीक है। अगर आप इन बेसिक्स मैकेनिज़म को आप सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए रेट लॉ क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। आपको सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कि मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होते हैं, या आप ये बोल दीजिए कि कोई डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट अगर किसी रिएक्शन मैकेनिज्म में बनता है तो वो जो रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस के जो ऑर्डर डिटरमिनेशन है या रेट लॉ डिटरमिनेशन है उसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन है वो रेट लॉ में मेंशन नहीं होता, ठीक है। तो इसको हमको रिमूव करना रहता है, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं तो इसमें इंटरमीडिएट रेट लॉ में आ जाता है। तो हमारा काम क्या होता है कि रेट लॉ से उस इंटरमीडिएट को कंसंट्रेशन को रिमूव करना है। क्लियर है? तो इसके लिए आपका बेसिकली दो मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं, जो कि क्या होते हैं। एक होता है आपका स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम SSA बोलते हैं, और एक होता है आपका इक्विलिब्रियम मेथड। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर SSA क्या बोलता है और इक्विलिब्रियम मेथड क्या बोलता है, तो SSA के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि कोई भी जो आपका इंटरमीडिएट है उसका फॉर्मेशन का रेट और उसका डिसअपीयरेंस का रेट दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो बोल दिया जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बराबर होता है आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी इंटरमीडिएट का बनना और कंज्यूम होना दोनों बराबर है तो हम नेट अगर उसका बात करें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू जीरो। भाई, समान मात्रा में वो क्या बढ़ रहा है, फॉर्म हो रहा है, और उतने ही मात्रा में क्या हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है, तो मतलब आपका नेट फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो ये होता है आपका SSA। वैसे इक्विलिब्रियम मेथड क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम मेथड में बोला जाता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये लीजिए, ये इक्विलिब्रियम मेथड में है, ठीक है। तो ये वाला आप जो है कंडीशन लगा करके इक्विलिब्रियम मेथड से कंसंट्रेशन को उस इंटरमीडिएट का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? बात ये होती है यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम मेथड आपको वहीं अप्लाई करना है जहाँ पर इंटरमीडिएट जो होता है एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो, एज अ प्रोडक्ट फॉर्म। अब ये क्या हुआ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इसको बोल रहे हैं कि कोई भी जैसे मैकेनिज्म है उसमें इक्विलिब्रियम मेथड, सॉरी इक्विलिब्रियम स्टेप जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ये लीजिए, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो और ये डी जो है आपका प्रोडक्ट पी बना रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं
सी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम मेथड से आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो यहाँ पर सी जो है एज अ प्रोडक्ट भी बनाए और एज अ रिएक्टेंट भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हमको जिस इंटरमीडिएट के लिए कंसंट्रेशन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो उस इक्विलिब्रियम स्टेप में हमको इक्विलिब्रियम मेथड अप्लाई करना है जहाँ पर इंटरमीडिएट जिसका हम चेक कर रहे हैं वो एज अ प्रोडक्ट बना हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सी का कंसंट्रेशन निकालना चाहूँ इक्विलिब्रियम मेथड से तो मैं फर्स्ट स्टेप को कंसीडर करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी जो है एज अ प्रोडक्ट बना है और सेकंड स्टेप में सी एज अ रिएक्टेंट बना है, तो ये वाला स्टेप मैं कंसीडर नहीं करूँगा, फर्स्ट स्टेप को बस कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो ये बोला जाता है इंटरमीडिएट एज अ प्रोडक्ट फाउंड, क्लियर है। उस इक्विलिब्रियम स्टेप को आपको अप्लाई करना है किसके लिए, इक्विलिब्रियम मेथड से उस इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करने में, क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक्स मैकेनिज्म जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी आपका रिएक्शंस के लिए जो मैकेनिज्म होंगे उसके लिए रेट लॉ निकाल सकें। चलिए तो सबसे पहले देखिए, एक कोई ए है बी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट पी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं दो मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, एक है आपका ए से आपका बन रहा है पी, सॉरी सी, और ये सी जो है बी के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, प्रोडक्ट पी। वैसे ही एक आपका लिखते हैं सेकंड मैकेनिज्म, ए सी बना रहा है और फिर ये बी जो है सी के साथ मिलकर के प्रोडक्ट पी बना रहा है। अंतर क्या है इसमें, तो अंतर है आपका मैं पहले स्टेप को क्या लिख देता हूँ, स्लो स्टेप, और दूसरे में आपका कहीं भी स्लो या फास्ट मेंशन नहीं करता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लॉ या ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो जब भी वो आपको रेट लॉ पूछेगा आपको किसी मैकेनिज्म किसी रिएक्शन के लिए उसका मैकेनिज्म बिल्कुल दिया रहेगा, मैकेनिज्म में आपको क्या करना है, सबसे पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही क्या करेगा, आपका रेट को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में आप रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उस रेट लॉ में अगर कोई इंटरमीडिएट का क्या आता है कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व होता है तो उसको हमको वहाँ से रिमूव करने के लिए एसएसए और इक्विलिब्रियम मेथड लगाना है, चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर ऐसा है कंडीशन तो पहले से अगर मेंशन है कि कौन सा स्टेप स्लो है तो आपको पता होगा कि स्लो स्टेप ही क्या होता है, आपका आरडीएस होता है। तो जहाँ पर स्लो मेंशन है तो मतलब हमको उसी स्टेप को आरडीएस लेकर के क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन को लिखना है, मतलब ये क्या होगा आपका आरडीएस। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या है, दूसरे कंडीशन में आपका न स्लो मेंशन है न फास्ट मेंशन है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के स्टेप को आपका आरडीएस माना जाता है। तो ये क्या होगा आपका आरडीएस। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या होगा, तो पता है कि रेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, इसके लिए हम रेट कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं के वन और सेकेंड स्टेप के लिए के टू। तो रेट इज इक्वल टू स्लो स्टेप कौन सा है आपका, फर्स्ट स्टेप, तो रेट को कैसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा, डी सी बाई डी टी, सी के बनने के रेस्पेक्ट में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका के वन ए, और यही क्या है आपका रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू क्या हो गया के वन ए, कौन सा ऑर्डर, तो ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सेकंड मैकेनिज्म की तो यहाँ पर सेकंड स्टेप आपका आरडीएस है, तो यहाँ पर रेट क्या होगा आपका, तो रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बताएंगे डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी रेट कॉन्स्टेंट लिख देते हैं के वन और के टू, तो ये हो जाएगा आपका के टू बी और ये सी। अब बात यहाँ आती है कि देखिए यहाँ पर इस रेट एक्सप्रेशन में आपका सी टर्म आ गया, और सी क्या है, देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट है, पहले स्टेप में बना है और दूसरे स्टेप में क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, तो इंटरमीडिएट ही तो है, ठीक है। चलिए तो इसको हमको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो एक है आपका एस एस ए और एक है आपका इक्विलिब्रियम। अब आप बात करेंगे सर यहाँ पर कैसे इक्विलिब्रियम में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेप एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कहाँ से आप इसको अप्लाई करोगे, ये लीजिए। तो कैसे सॉल्व करना है आपको, एस एस ए से, तो यहाँ पर एस एस ए अगर मैं लगाऊंगा तो किसको रिमूव करना है, सी को। तो यहाँ पर सर क्या देख लेंगे अपन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ सी, मतलब इंटरमीडिएट सी ही तो है। तो यहाँ पर बात कर लीजिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू के वन ए, पहले स्टेप में ही तो बन रहा है, डिसअपेरेंस किस में हो रहा है,
तो सेकंड स्टेमेडिस अपेयरेंस हो रहा है तो उसका रेट क्या होगा, के टू बी और ये सी। अब देखिए सी चाहिए मेरे को, तो सी इज इक्वल टू के वन ए अपॉन के टू बी, यही हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो आपका सी निकला है उसको आपको रिप्लेस कर देना है इसके जगह पर, ठीक है। तो अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, तो ये आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के टू और ये हो गया आपका बी। सी का क्या वैल्यू निकला, तो सी का वैल्यू निकला है आपका के वन ए अपॉन के टू बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर के टू से के टू कैंसिल और बी से बी कैंसिल, इज इक्वल टू क्या निकला, तो ये आपका निकल गया के वन ए। मतलब यहाँ पर रेट इज इक्वल टू क्या निकल गया, के वन ए, मतलब ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को शो कर रहा है, क्लियर है। तो ये है आपके सिंपल से दो मैकेनिज़्म। इसके बाद हम थोड़ा मूव करते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म की तरफ। चलिए देखिए अब हम दूसरे डिफरेंट टाइप के मैकेनिज़्म के ऊपर चलते हैं। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। ये थर्ड मैकेनिज़्म क्या हो जाता है मेरा, ये K1 जो है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपका मैकेनिज्म वो हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, और ये हो जाएगा आपका K इनवर्स 1। चलिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये तीसरा मैकेनिज़्म में A जो है आपका बना रहा है C, और ये जो B है क्या बना रहा है आपका प्रोडक्ट P, किसके साथ मिलकर के, C के साथ मिलकर के, ठीक है। ये लीजिए, उससे पहले अपन क्या चेक कर लेते हैं, थर्ड टाइप का मैकेनिज़्म, A जो है C बना रहा है, फिर B जो है C से मिलकर के प्रोडक्ट P बना रहा है, D बना रहा है, और ये D जो है मिलकर के फिर प्रोडक्ट बना रहा है, ले लीजिए, ठीक है। फोर्थ टाइप का मैकेनिज़्म लिख लेते हैं, ये हो गया आपका A जो है आपका C ही बना रहा है, और ये B C मिलकर के फिर D बना रहे हैं, और D मिलकर के फिर प्रोडक्ट P बना रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर थर्ड और फोर्थ को, तो थर्ड और फोर्थ में कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ इस स्टेप को, स्लो स्टेप। और अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या फिर चलिए ऐसे ही ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्या नहीं किया हूँ, मेंशन नहीं किया हूँ कि कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्टेप स्लो है। तो जब ऐसा आपका मैकेनिज़्म हो तो क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर मेंशन स्लो है तो ये क्या हो जाएगा आपका स्लो स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में रेट लिखेंगे, फिर जो इंटरमीडिएट जो आपका टर्म आएगा आप सॉल्व करेंगे तो उसको रिमूव करेंगे SSA लगा करके, तो आपका जो है एक रेट लॉ वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर ऐसा मैकेनिज़्म है और आपको कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर वही बात करूँगा मैं, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाला आपका स्टेप होता है वो क्या होता है आपका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये हो गया आपके थर्ड और फोर्थ, ये आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं आता हूँ आपका थर्ड मैकेनिज़्म के ऊपर, ठीक है। चलिए सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ को अपन डिस्कस कर लिए, अपन बात करते हैं सेकंड के ऊपर थोड़ा सा। सेकंड अच्छा है, यहाँ पर आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम मेथड। एक कंडीशन क्या होता है, आपका मेंशन होता है ये फास्ट, तो जब फास्ट मेंशन हो तो जो नेक्स्ट वाला है जिसमें कोई भी प्रकार से फास्ट स्लो मेंशन नहीं है वही आपका क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो जो स्लो होगा वो क्या होता है आपका RDS होता है, तो ये जो आपका थर्ड स्टेप सेकंड स्टेप जो है क्या होगा आपका RDS हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इक्विलिब्रियम में तो होते हैं ये, लेकिन मेंशन नहीं होता कि कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्टेप स्लो है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम वाला स्टेप तो हमेशा फास्ट होता है, तो नॉन इक्विलिब्रियम वाला स्टेप जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाला वो क्या होगा आपका RDS होगा, क्लियर है। क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम जो स्टेप होता है उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती कि वो फास्ट है कि स्लो है, वो जो है जो आपका उसका जस्ट आपका सेकंड जो स्टेप होता है उसका, उससे वो हमेशा फास्ट होता है, ठीक है। चलिए
हम रेट कांस्टेंट लिख लेते हैं के वन और एक के इनवर्स वन और इसके लिए के टू। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ऐसा कंडीशन हो तो रेट बराबर क्या होगा, तो रेट बराबर होगा आपका के टू बी और ये सी। दिक्कत क्या आता है, यहाँ पर सी जो है आपका इंटरमीडिएट है, तो हमको क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो जब इसको रिमूव करना है तो देखिए यहाँ पर सी को रिमूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है आपका एसएसए और एक है आपका इक्विलिब्रियम मेथड। आप एसएसए से भी जा सकते हैं और इक्विलिब्रियम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले देखिए मैं एसएसए से अगर सॉल्व करता हूँ तो एसएसए में इंटरमीडिएट मेरा क्या है, सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर बन रहा है ये सी, तो ये हो गया आपका के वन ए रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस, देखो बैकवर्ड रिएक्शन में डिसअपीयर हो रहा है और सेकेंड स्टेप में डिसअपीयर हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका के इनवर्स वन सी प्लस के टू बी और ये सी। तो यहाँ पर मैं अगर सी डिटरमाइन करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, के वन ए बटे में आपका के इनवर्स वन प्लस के टू बी। अब ये जो सी का वैल्यू अपन क्या करेंगे, वहाँ पर पुट कर देंगे रेट इक्वेशन में, तो आपका रेट क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका रेट इज इक्वल टू के टू बी और आपका सी का वैल्यू क्या निकला, के वन ए बटे में आपका हो जाएगा ये के इनवर्स वन प्लस के टू बी। ये लीजिए, अब अगर आप इसको रिप्रेजेंट अच्छा से थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं तो के वन को हम क्या लिख लेते हैं, सामने लिख लेते हैं, ये लीजिए यही होगा। ये आपका निकल गया एसएसए के अकॉर्डिंग रेट लॉ। लेकिन यहाँ पर हम इस कंडीशन में इस रेट एक्सप्रेशन के लिए ऑर्डर का हम डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, क्लियर है, क्यों, क्योंकि अगर हम बी के रेस्पेक्ट में अगर देखना चाहें तो यहाँ पर देखो बी जो है ऊपर भी है, जो बोलता है क्या डायरेक्टली प्रपोर्शनल, लेकिन बी नीचे भी तो है, ये बोलता है आपका इन्वर्सली प्रपोर्शनल, ठीक है, तो ये दिक्कत आता है आपको। चलिए तो अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम मैथड से। इक्विलिब्रियम मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सी के कंसंट्रेशन को, तो जो सी जो जिस इक्विलिब्रियम स्टेप में वो एग्जिस्ट कर रहा है एज अ प्रोडक्ट, वहाँ पर क्या कर दो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये के वन ए आपका क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, तो ये आपका के इनवर्स वन सी। आपको क्या चाहिए सी का वैल्यू, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वन अपॉन के इनवर्स वन और ये हो गया आपका ए का वैल्यू। आप इस सी का वैल्यू क्या कहाँ रखेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो रेट क्या निकल जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू निकल जाएगा आपका ये के टू के वन अपॉन के इनवर्स वन, ये हो गया आपका बी और ये है आपका ए। ये लीजिए, क्लियर है, ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम मेथड से रेट एक्सप्रेशन। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कई बार आपके एग्ज़ाम में क्या होता है, वो मेंशन नहीं किया रहता कि वो इक्विलिब्रियम मेथड से वो रेट लॉ निकलवा रहा है आपसे या स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड से रेट लॉ निकलवा रहा है, क्लियर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम से सॉल्व करते जाते हैं और लास्ट में ऑप्शन देखते हैं तो पता चलता है कि वो एसएसए से सॉल्व करवा रहा था, ठीक है, तो फिर से हम रिपीट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर वो जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, तो अगर टाइम ज़्यादा टेकिंग अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए होता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमको इस टाइम को ही तो रिड्यूस करके क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा एसएसए अप्रोच करता हूँ ऐसे कंडीशन में, क्यों, क्योंकि एसएसए अप्रोच करने पर मेरा ये रेट एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या होता है, अगर ये रेट एक्सप्रेशन जो रेट एसएसए से आया है, यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लगा देता हूँ तो मैं इक्विलिब्रियम मेथड क्या कर दूँगा, उस इक्विलिब्रियम मेथड से जो रेट एक्सप्रेशन आने वाला है वो मैं डिराइव कर दूँगा। कैसे, तो देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, तो अगर इस मैकेनिज्म में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये के इनवर्स वन फास्ट होगा तभी तो सी जो है ए बनाएगा, तो ये के इनवर्स वन किससे फास्ट होना चाहिए, के टू से, तभी तो ये रिवर्स रिएक्शन जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बोला जाता है के इनवर्स वन इज ग्रेटर 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 देन के टू, तो क्या होगा आपका, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, मतलब के इनवर्स वन को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और ये के टू क्या हो जाएगा, छोटा है तो ये वाला टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगा, तो बच के क्या आएगा, के वन के टू अपॉन के इनवर्स वन बी ए। ये लीजिए, यही आएगा क्या, तो देखिए एक स्टेप बस और आगे बढ़ना पड़ा मेरे को, इक्विलिब्रियम से जो मेरा रेट लॉ जो डिराइव होने वाला था वो मैं आइडेंटिफाई
कर लिया। क्लियर है? तो आपको क्या क्या अप्रोच करना है, हमेशा एसएससी से अप्लाई करो। अगर आपको लास्ट में पता चलता है कि वो इक्विलिब्रियम से क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा दो। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है। सेकंड कंडीशन, जब के इनवर्स वन ग्रेटर लेजर लेजर देन के टू, तो जब ये छोटा होगा तो ये के इनवर्स वन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रेट इज इक्वल टू के वन के टू अपॉन के टू बी, और ये हो जाएगा आपका बी और ये ए। ये लीजिए, के इनवर्स वन टर्म को हम एलिमिनेट कर दिए, के टू से के टू कैंसल, बी से बी कैंसल, ये हो जाएगा आपका के वन ए। तो इस कंडीशन में ये आपका कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये हो गए आपके इस तरह के जो एक आपके क्या होंगे, मैकेनिज्म होंगे, उनको हम कैसे अप्रोच करेंगे रेट लॉ आइडेंटिफिकेशन में और ऑर्डर के डिटर्मिनेशन में। क्लियर है? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाते हैं। चलिए, तो देखना, बात करते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड। कुछ नहीं है, ये आपका सेकेंड टाइप हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में क्या क्या लेते हैं, ए, और ये है आपका सी, फिर सी प्लस बी, ये बना रहा है आपका डी, और ये डी बना रहा है आपका प्रोडक्ट पी। तो यहाँ भी दो कंडीशन वो बना देगा। अगर आपका मेंशन है कि ये स्टेप स्लो है, तो इसको आरडीएस लेकर के आपको पूरा सॉल्व करना है। आप एसएससी लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम, मैं आपको क्या बताया कि आप एसएससी लगा करके सॉल्व कीजिए। अगर इक्विलिब्रियम से चाहिए तो लास्ट वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दीजिए, आप आसानी से क्या कर देंगे, डेराइव कर देंगे इक्विलिब्रियम मेथड से जो रेट लॉ निकलने वाला था। क्लियर है? ठीक है, ये हुआ आपका जब स्लो मेंशन हो। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाला जो स्टेप होता है वही होता है। क्लियर है? तो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, आपको रेट एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ऐसे मैकेनिज्म को जो मैं यहाँ पर सॉल्व किया, सेम कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका डेरिवेशन आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म की, जो कि क्या होता है, जो कि क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखेगा। ठीक है, चलिए, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको मैं नोट करके लिख रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, देखिए, एक आपका मैकेनिज्म हो सकता है जिसमें ए जो है आपका क्या बना रहा है, सी बना रहा है, ये लीजिए, फिर ये जो बी है सी के साथ मिल करके आपका डी बना रहा है। ठीक, फिर ये जो डी है आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है आपके दो सक्सेसिव स्टेप इस मैकेनिज्म में इक्विलिब्रियम स्टेप इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, चलिए इसका हम रेट कांस्टेंट लिख लेते हैं, के वन, के इनवर्स वन इसके बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, के टू, के इनवर्स टू, और ये के थ्री। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि दो लगातार आपके स्टेप जो हैं इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, तो इसके लिए आपका जो अप्रोच होगा दो तरह कैसे हो सकता है, एक एसएसए से और एक इक्विलिब्रियम मेथड से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि आप एसएसए क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। किससे सॉल्व करना है इसको, इक्विलिब्रियम मेथड से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एसएसए से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो है बहुत लंबा आपका प्रोसेस होगा। आप ये बोल सकते हैं कि लगातार रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएट में एक फर्दर इंटरमीडिएट आपका क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप का इंटरमीडिएट एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेप से अगर सॉल्व करता हूँ इसको, तो मेरा रेट एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा, तो रेट इज इक्वल टू होगा के थ्री डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाला स्टेप ही वही क्या होगा, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब दिक्कत ये है कि ये जो आपका डी है ये क्या है, आपका इंटरमीडिएट। अब हमको इसको रिमूव करना है इक्विलिब्रियम मेथड लगा करके। तो इक्विलिब्रियम मेथड अगर मैं लगाता हूँ तो डी जो है एज अ प्रोडक्ट कहाँ पर, कौन से इक्विलिब्रियम स्टेप में बना है, तो ये बना है आपका सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है आपका, तो ये है आपका के टू बी और ये सी इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इनवर्स टू और ये डी। यहाँ से हम डी अगर निकालना चाहें तो डी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा के टू अपॉन के इनवर्स टू और ये आपका बी सी। चलिए, ठीक है, अब दिक्कत ये है कि डी के
रिमूवल के लिए जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसमें फिर से आपका क्या आ गया, सी टर्म आ गया, और ये सी भी क्या है आपका एक इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर सी भी, सी को भी हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि एस एस ए की। तो जब यहाँ पर एस एस ए आप लगाएंगे तो यहाँ पर ये सी जो है एक जगह पर इक्विलिब्रियम स्टेप में एज अ प्रोडक्ट है और दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेप में एज अ रिएक्टेंट है। तो जैसे जैसे आप इसको रिमूव करने करते जाएंगे तो सी को रिमूव करने जाएंगे तो डी डी निकल के आएगा इसके रेट लॉ में, ठीक है, और डी को रिमूव करने जाएंगे तो सी निकल के आएगा। तो यही काम चलते रहेगा एस एस सी अगर अप्लाई करते हैं तो। इक्विलिब्रियम अगर स्टेप आप या इक्विलिब्रियम मेथड अगर आप क्या करते हैं अप्लाई करते हैं तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इक्विलिब्रियम मेथड में हम जिस इंटरमीडिएट की को रिमूव करना चाहते हैं कंसंट्रेशन टर्म, तो वहाँ पर वो जो इंटरमीडिएट जिस स्टेप में एज अ प्रोडक्ट क्या हो फॉर्म होता है उसी हम स्टेप में उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में मेरा सी जो है एज अ प्रोडक्ट बना है, तो वहाँ के लिए मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो गया, तो ये है आपका के वन ए, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, के इनवर्स वन सी। तो यहाँ से अगर मैं सी निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका के वन ए अपॉन के इनवर्स वन। क्लियर है? अब देखिए इस सी का वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए तो आपका डी निकल जाएगा, और डी का वैल्यू आप फिर कहाँ यहाँ पुट कर दीजिए तो ये रेट एक्सप्रेशन क्या निकल के आ जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा ये के थ्री के टू अपॉन के इनवर्स टू, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा बी सी बराबर क्या निकल के आया के वन अपॉन के इनवर्स वन, ठीक है, ये लीजिए, और ये निकल के आया आपका ए। अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पर K1 अपॉन K इनवर्स 1 को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल K1 से शो कर सकते हैं, और K2 अपॉन K इनवर्स 2 को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 से शो कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका K3 K1 कैपिटल K2 A और ये B, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके लिए रेट लॉ, और इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर इस टाइप का अगर आपका मैकेनिज्म हो तो उसको कैसे अप्रोच करना है, एस एस ए से सॉल्व नहीं करना है, आपको इक्विलिब्रियम मेथड से सॉल्व करना है। बाकी जितने भी आपके मैं यहाँ पर बेसिक मैकेनिज्म लिखे हैं उन मैकेनिज्म को मैं कैसे सॉल्व करूँगा एस एस ए के अकॉर्डिंग, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको फिर मैं इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन लगा करके उस रेट लॉ से जो जो कि मैं एस एस ए से निकाला रहता हूँ वहाँ पर इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लगा करके मैं इक्विलिब्रियम से जो ड्राइव होने वाला रेट लॉ है वो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। क्लियर है? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।